हाय गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीजी एक्सपेरिमेंट। आज मैं आप लोगों को के लिए लेके आया हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि नकली दूध कैसे बनाते हैं। उसके लिए चाहिए जो जनरली हम लोग घरों में यूज करते हैं इजी वाश, वो ये हमने 10 ml गोदरेज इजी वाश लिया है, उसको हम इस खाली ग्लास में डाल देंगे। और जो हम लोग खाने में यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल, ये है रिफाइंड ऑयल 10 ml, ये भी है, इसको हम साथ में इसी में डाल देते हैं। और फिर इस चम्मच की सहायता से इसको मिक्स करते हैं और आप लोग देखते रहिए ध्यान से कि ये अभी जो है हल्का येलो जैसा लग रहा है, येलो, लेकिन इसको जैसे जैसे हम लोग मिक्स करते रहेंगे, ये देखिए आप लोग गाइस नज़दीक से देखिए ये येलो लग रहा है, लेकिन इसको जैसे जैसे हम मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे इसका कलर बदलता रहेगा, येलो से ये वाइट हो जाएगा। तो गाइस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और इसका कलर अब येलो से वाइट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद देखते हैं क्या होता है। पानी मिलाने के बाद इसको फिर से हम थोड़ा घोल लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये मात्र 10 ml इजी वाश और 10 ml जो रिफाइंड ऑयल से था उसका हमने प्रयोग करके एक गिलास दूध बनाया है। हमें लग रहा है इससे 1 लीटर दूध बनाया जा सकता है इतनी ही मात्रा से। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल दूध जैसा है ये, लेकिन ये दूध नहीं है, ये दरअसल एक जहरीला केमिकल है। तो गाइज ये देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा है, अभी आप लोग देख सकते हैं इसे पास से, ये बिल्कुल दूध जैसा है लेकिन ये दूध नहीं है, ये आप लोग पास से देख सकते हैं। तो क्या होता है, जो लोग मार्केट में नकली दूध का व्यापार करते हैं वो लोग इसी तरीके से दूध बनाते हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है हम लोग डिटर्जेंट होता है इसका, हम कपड़े धोने में प्रयोग करते हैं और इसके सहायता से अगर हम दूध बनाएंगे तो वो हमारे शरीर के जो अंदर के पार्ट हैं उनको डैमेज कर देगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग जहाँ से भी दूध लेते हों तो एक बार वहाँ के दूध को ले जाकर आप लैक्टोमीटर की सहायता से चेक करवा लें। कभी कभी मतलब चेक करवा लेना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि ये दूध जो है असली दे रहा है या नकली दूध दे रहा है, क्योंकि ये होता है कि लोग दूध ले आते हैं और उसमें मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट उसका बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हमने मिलाई ये मिलाते हैं, साथ में उसमें ग्लूकोज भी मिला देते हैं जिससे उसमें मिठास भी आ जाती है और इतनी आसानी से वो पता नहीं चलता है। तो एक बार हम लोग जहाँ से दूध लेते हैं उसको चेक ज़रूर करवाएं, लैब से चेक करवा सकते हैं या जो भी लोग डेयरी फार्म वगैरह होते हैं वहाँ पर मशीन होती है दूध चेक करने की, उसकी सहायता से दूध चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये दूध जो होता है ये नकली दूध है। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग मार्केट में नकली दूध का व्यापार करते हैं कि आप लोग
मनुष्य के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आज ही करना बंद करें। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।